अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यार, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डिनर किया है और मैं सोचा कि थोड़ा सा वॉक करने निकला, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे ही बात किया जाए। आज तो पूरा दिन जो है काम में ही लगा रहा, सो वक्त ही नहीं मिला। क्यों ना आपको यहाँ से चल करके डोंगरी मार्केट दिखा देता हूँ, तो ज़्यादा दूर नहीं है जिस जगह पर मैं हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं अपने दो तरीके की जिंदगी देखो, एक तो ये जिंदगी है और दूसरी एक ये जिंदगी है जो कि इन फुटपाथ में रहती है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। जैसे ही डोंगरी में आता तो बस एक ही चीज ख्याल आता है, खाना। क्योंकि यहाँ का खाना काफी अच्छा है। चलिए दिखाते हुए चलता हूँ होटल्स, और मैं खाना खा चुका हूँ तो अब तो वो तो शेयर करने वाला नहीं। जैसे मैंने बोला था कि मैं डोंगरी का मार्केट दिखाऊंगा, फिर मेरा प्लान चेंज हुआ, क्यों ना मैं आपको खाऊ गली की तरफ ले चलूँ। तो अब मैं यहाँ से टर्न हो गया हूँ और ये मज़ार आप देख रहे हो, ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पर लोग बहुत आते हैं मन्नत के लिए, और देखिए कितना भीड़ है अंदर। हम लोग आ चुके हैं खाऊ गली में, और बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आप लोग को देखने में ही समझ में आ गया होगा यहाँ के रश देख करके। और पहले तो ये सब्ज़ी मार्केट है, थोड़ा सा मैं आया हूँ शॉर्टकट मार करके। तो जहाँ से मैं आया हूँ पहले आपको कपड़े के शॉप्स मिलेंगे बहुत यहाँ पर। अच्छा, खाऊ गली मशहूर ज़रूर है खाने के लिए यहाँ, लेकिन कपड़े भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो जहाँ से मैं आया हूँ यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत होगी कपड़ों की मार्केट से। थोड़े से कपड़े की भी यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं, तो आप देखो ये सामने कपड़े लगे हुए हैं ये सब। सो स्ट्रीट में भी काफ़ी कुछ मिल जाता है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं आगे जहाँ से खाने पीने का मार्केट शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ कॉमन मिलेगी कि खाने में लोग जो है होटल के बाहर आपको केले की ज़रूर ठेले मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ लोग डिनर के बाद केला ज़रूर खाते हैं यहाँ के लोग। सो अब खाना शुरू हो चुका है यहाँ का। और आपने वैसे बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा ही होगा कि खाऊ गली के प्रॉपर काफ़ी कुछ ब्लॉग्स भी हैं मार्केट के। और स्पेशली ये मार्केट जो है ना रमज़ान में बहुत अच्छी लगती है देखने में। रमज़ान में इस जगह पर बिल्कुल भी कुछ जगह ही नहीं रहती देखा जाए तो। और अभी वैसे रश कम है, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम। अगर आप खाऊ गली में आते हो तो यार नॉनवेज के लिए जगह बहुत ही बेस्ट है। हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हो तो गलती से भी मत आना। हाँ, ये ज़रूर है कि स्वीट्स और भी तमाम चीज़ें ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन वेजिटेरियन के लिए इतना अच्छी जगह नहीं है। नॉनवेज बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत ही टेस्टी मिलेगा। इनफैक्ट रमज़ान के टाइम पर आप आइए तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और जब रमज़ान का टाइम होता है तो यहाँ पर खैर जगह भी नहीं रहती, कहीं पर इतना ज़्यादा इस जगह पर रश होता है। भी नहीं है कि खाली यहाँ पर नॉन वेज ही मिलता है। यहाँ पर खाने के लिए आपको वैसे केक वेक और भी चीज़ें तमाम और भी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सो वैसे अब मेरा आगे प्लान है कि मैं आगे चलूँ और आपको थोड़ा सा आगे का मार्केट दिखाऊँ, जो कि रोड का यहाँ पर स्ट्रीट जो शॉपिंग है वो दिखाता हूँ, जो कि डोंगरी का मोहम्मद अली रोड का जो मार्केट है। ये देख सकते हो आप स्लीपर्स, और आपको शूज़ आपको बहुत रिजनेबल 200-250 रुपए मिल जाएंगे। कुछ कपड़े भी मिल जाएंगे जो कि 150-200 रुपए में, बैग्स आपको 250 रुपए में इस तरीके से मिल जाएगा। मुझे कुछ ख़रीदना नहीं है, बट मैंने कहा कि यार अभी बाहर आया हूँ तो क्यों ना आपको ये मार्केट भी दिखाता चलो। ये बच्चों के कपड़े आपको मिल जाएंगे 150-200 रुपए से ज़्यादा नहीं, बताते तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर आपको बार्गेनिंग करना आता है तो डेफिनेटली इस जगह से लेकर के जाइए, अदरवाइज मत लीजिएगा। और क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी क्वालिटी यहाँ पर, और बहुत ही रिजनेबल रेट है। चाहे नकाब हो, ये सभी कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और बच्चों के कपड़े बहुत ही रिजनेबल हैं, 100-150 रुपये में आपको बहुत अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, शूज़ और ये। लेकिन हाँ, शूज़ मैं नहीं ज़्यादा प्रेफर करता इस जगह से लेने का। लोकल आपको लेना तो डेफिनेटली लीजिए, अदरवाइज ब्रांड शूज़ तो नहीं मिलेंगे इस जगह पर। बट स्ट्रीट शॉपिंग है जो कि रिजनेबल, और काफ़ी कुछ आपको एसेसरीज भी मिल जाएगी। फीमेल्स की ज्वेलरीज यहाँ पर मिल जाएगी जो कि आर्टिफिशियल है। तो ये शूज़ आप देख सकते हो 200-300 रुपये, बस इससे ज़्यादा नहीं है। फीमेल का मार्केट बहुत ही अच्छा है फीमेल के लिए, अगर उन्हें कुछ ख़रीदना है तो। सो अभी तो मैं आगे और बढ़ता हूँ और आगे का दिखाता हूँ। अच्छा, फिर मैं आगे से और टर्न हो गया, मैंने कहा शॉर्टकट चलते हैं, तो फिर मैं वापस खाऊ गली में घूम गया हूँ। तो आप देखो ये सब चिकन लगा हुआ है। सो ये गली बताने का ज़रूरत नहीं पड़ता मैं कहाँ पर हूँ।
बहुत देर तक मार्केट में और अभी जस्ट मैं आया हूँ, तो सोच रहा हूँ थोड़ी देर इस जगह पर बैठा पर सुकून से थोड़ी देर बैठा जाए और फिर चलते हैं रूम अपने। तो ये बता दूं कि ये जो फुटपाथ है रात के टाइम पर इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं होती, अभी लोग अपने अपने कामों में होंगे, जब आएंगे तो ये पूरा फुटपाथ भरा रहता है रात के टाइम पर। मुंबई में बहुत फेमस है ना कि लोग खिला पिला देते हैं, रात में रुकते नहीं है, वो बात बिल्कुल सही है। तो अभी आपको थोड़ी देर से तक यहाँ पर लोग बहुत सारे लेटे हुए मिलेंगे, तो फुटपाथ तो यहाँ नॉर्मल है, लोग सोते हुए मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पर लोग लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, रेस्ट यहाँ पर। तो कभी मेरा ये प्लान है, इनफैक्ट एक पूरा जो ब्लॉग है मैं पूरा इनके ही ऊपर बनाऊंगा कि यहाँ पर जो फुटपाथ में बेचारे रह रहे हैं उनका किस तरीके का रहन सहन है, क्या है। सो इस साइड भी लोग लेटे हुए हैं। चलूँ अपने रूम, और अभी ईशा की नमाज भी नहीं पड़ी, सीधे मैं आया और मैं चला गया मार्केट का खाना खा करके। मालूम नहीं वेदर कैसा हो गया है कि आवाज़ ही मेरी क्लियर नहीं निकल रही, इतना ज़्यादा जुकाम और खांसी हो चुकी है, तो बोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। तो कोई नहीं, अब चलते हैं। मैं तो आ गया रूम में, इनफैक्ट अब थोड़ी देर रेस्ट किया जाए, रेस्ट किया बहुत थक गया हूँ, अब सीधे सोऊंगा ही थोड़ी देर में।